नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के ओएसडी व पूर्व एसडीएम मोतीलाल सिंह का सड़क दुर्घटना में हुआ निधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की गहरी संवेदना। शनिवार की सुबह 10 बजे राजघाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी रंजीत पटेल को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने दी जानकारी। गुरुवार को जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने सहजनवा स्थित निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य कार्यों का किया निरीक्षण। कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी। कार्यों को समय से पूरा करने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बेलघाट थाने की पुलिस व खजनी तहसील की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त लालजी केवट की संपत्ति को किया जब्त। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर को थाने में लाकर किया गया दाखिल। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन एवं नंबर प्लेट को ढक कर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक विभाग अब करेगा गंभीर कार्यवाही। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों संग बैठक कर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने दिए निर्देश। कहा, जिन वाहन चालकों ने नंबर प्लेट उखाड़ रखा है या नंबर प्लेट से नंबर मिटा दिए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर वाहनों को सीज कर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी किया जाएगा दर्ज। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के पांचवें दिन ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत ने कहा, मातृभूमि की सुरक्षा में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ भारतीय सेना में नारियों के हैं अधिक अवसर। वर्तमान समय में फैलने वाली बीमारियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का 28 अगस्त को सीएम योगी करेंगे अनावरण। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक तथा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने दी जानकारी। वाहन चोरी के आरोप में एक अभियुक्त सुरेंद्र गौड़ को कैंट पुलिस ने 12 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। चोरी की एक मोटरसाइकिल, लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर की कार्यकारिणी एवं जिला काउंसिल की बैठक सकुशल हुआ संपन्न। मुख्य आयुक्त ने कहा, जनपद के सभी विद्यालयों में स्काउट गाइड दलों का पंजीकरण व नवीनीकरण कराना है आवश्यक। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के दूसरे दिन मुख्य अतिथि ने कहा, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ समाज के सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा रहे हैं आगे। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के ओएसडी व पूर्व एसडीएम मोतीलाल सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मोतीलाल सिंह मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जनसामान्य निवारण अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए जनता की समस्याओं को सुनते थे, जो कि ग्राम बुडनपुर पोस्ट कोयलास जनपद आजमगढ़ के निवासी थे। आपको बता दें कि गुरुवार की रात्रि 12 बजे बस्ती में किसी जानवर को बचाने के चक्कर में यह सड़क दुर्घटना हुई है। गुरुवार की रात में ही मोतीलाल सिंह व उनकी पत्नी बीना सिंह को शुक्रवार की सुबह 4 बजे गोरखनाथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद मोतीलाल सिंह का सुबह लगभग 6:30 बजे निधन हो गया। उनकी पत्नी बीना सिंह को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मोतीलाल सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। शनिवार की सुबह 10 बजे दिवंगत मोतीलाल सिंह का राजघाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा।
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरपुर बिहार निवासी दहिया थाना गायघाट का रहने वाला रंजीत पटेल पुत्र विनोद पटेल को गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बख्शीपुर चौकी के अंतर्गत दीवान बाजार में एक मकान में काम करने वाली नाबालिग लड़की और उसी मकान में काम करने वाला नौकर रंजीत ने लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौर्य, उप निरीक्षक आशीष कुमार पांडे, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, सत्य प्रकाश चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, कल रात में कोतवाली थाना क्षेत्र के बख्शीपुर चौकी के अंतर्गत दीवानगंज बाजार में एक फ्लैट है भरत जलान का, वहां से एक तहरीर प्राप्त हुई है कि उनके यहां काम करने वाली एक नाबालिग लड़की है, उसका उनके यहां काम करने वाला एक नौकर, पुरुष नौकर जिसका नाम रंजीत है, उसने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। FIR दर्ज कर ली गई है, मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे से विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने गुरुवार को सहजनवा स्थित निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि गुरुवार को निर्माणाधीन कार्यों को निरीक्षण किया गया, जिसमें सहजनवा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सहित अन्य कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यों में कमी पाई गई, जिसको देखते हुए कार्यों को समय से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अगर कार्यों में दोबारा लापरवाही जाएगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा IGL में वृक्षारोपण भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, कल हम लोगों ने 3 प्रोजेक्ट चेक किए थे। एक तो पॉलिटेक्निक था, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम चल रहा है और एक कबीरपंथी जो बिल्ड हमारा बना है माइसेस पर्यटन विभाग का, वो तीनों हम लोगों ने निरीक्षण किया। जहाँ जहाँ जो कमी नज़र आई है वो संबंधित संस्था को इंगित करा दिया गया है, दोबारा इसको हम चेक कराएंगे, अगर कोई और इश्यू निकलेगा तो उसके संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वहाँ एक वृक्षारोपण कार्यक्रम था तो मेवाती पद्धति से वहाँ पे कराया गया, तो हम लोग उस वृक्षारोपण कार्यक्रम में पार्टिसिपेट। इसमें एक प्रोजेक्ट ऐसे थे जो धन अभाव में कंप्लीट नहीं हो पा रहे, बाकी 2 प्रोजेक्ट टाइम से चल रहे हैं और टाइम से कंप्लीट हो ये हम बेलघाट थाने की पुलिस व तहसील की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की संपत्ति जब्त की, जिसके संबंध में बेलघाट थाना प्रभारी गौरव कन्नौजिया ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त लालजी केवट पुत्र रामधनी केवट निवासी ग्राम नरगढ़ा जंगा सिंह थाना बेलघाट की संपत्ति राजस्व टीम के साथ जब्त की गई है। अभियुक्त अपने पैतृक आवास में अपने हिस्से का नवीनीकरण, मरम्मत व अंदर के साज सज्जा के दैनिक उपयोग की वस्तु को अपराध के पैसे से क्रय किया गया था तथा संपूर्ण मकान के आधुनिकरण पर लाखों रुपए खर्चा किया गया है। गैंग के सदस्य अभियुक्त लालजी केवट का आपराधिक कृत्य के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। लालजी केवट द्वारा निर्मित भवन व वाहन आदि अपराध जगत से अर्जित धन से किया गया है, जिसका स्वामी लालजी केवट स्वयं है तथा गिरोहबंद अभियुक्त है, जिसको देखते हुए तहसीलदार खजनी व पुलिस की टीम ने ग्राम नरगढ़ा जंगा सिंह पहुंचकर जब्ती आदेश में वर्णित मकान को जब्त कर सील मुहर किया तथा साथ ही मोटरसाइकिल ट्रैक्टर को जब्त कर थाने में दाखिल किया गया। जब्तीकरण करने वाली पुलिस टीम में तहसीलदार खजनी प्रद्युमन कुमार, बेलघाट थाना प्रभारी गौरव राय कन्नौजिया सहित अन्य लोग शामिल रहे। नहीं,
उत्तर दक्षिण पश्चिम चोरस बनाई ऐसा में धागा पकड़ा जाए जॉन थोड़ा थोड़ा छूटा लगे उनको हमने मेरी पैक से जितना पच्चीस पैसा वही किसके काम सारा बच्चे का काम करना है बना बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन एवं नंबर प्लेट को ढककर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के सदन हॉल में सभी यातायात निरीक्षक यातायात उप निरीक्षक के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि बहुत से लोग अपने दो पहिया वाहन के नंबर प्लेट को उखाड़ रखे हैं या नंबर प्लेट से नंबर मिटा दिए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑटो चालक अपने नंबर प्लेट को ढक रखे हैं या नंबर प्लेट नहीं लगाए हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने बिना हेलमेट के आते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान यातायात निरीक्षक यातायात उप निरीक्षक सहित ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, कुछ नहीं करना किसी से, बड़ी गंदी चुपचाप अपना खड़ा हो ठीक है। और सुबह को सब लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, 80% लोग बिना हेलमेट के निकलते हैं। आप लोगों का यही तो है कि हेलमेट वाला कोई मिलता नहीं है, सुबह को कोई नहीं लगाता है। मैंने यहाँ तक देखा कि कितना घटिया काम करते हैं लोग, मतलब हेलमेट का जो पर्पज है वो खत्म हो गया। लोग अपने बच्चों को छोड़ने के लिए हेलमेट लगाते हैं, वो सब आपको इन रास्तों में मिल जाएंगे। ये हमारी रेगुलर मीटिंग है, हमने ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स के लिए बुला के उनके कार्य के बारे में उनके लिए और सेंसिटाइज किया कि ट्रैफिक व्यवस्था को इम्प्रूवमेंट करने में अपनी ओर से नए नए इनिशिएटिव्स लें। हमारे कुछ सब इंस्पेक्टर्स ने जो है नए नए इनिशिएटिव लिए हैं लेफ्ट लेन क्लियर कराने के लिए, तो उनके लिए हमने प्रमोट किया और सभी के लिए जो है सभी ने कमिटमेंट किया कि दे कि सभी लोग बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे यातायात व्यवस्था को, गोरखपुर की यातायात व्यवस्था को एक मॉडल के तौर पे बनाने का और दिखाने का प्रयास करेंगे। सर लेफ्ट आपकी तरफ पुलिस द्वारा जारी की जा रही है, लेकिन लोगों को जागरूक कर देंगे लेफ्ट लेन के लिए। मेरा नागरिकों से ये अनुरोध है कि अगर उनको लेफ्ट नहीं मुड़ना है तो वो रास्ता चौक करते हैं जिससे दूसरे भी लेट होते हैं, तो बेटर ये है कि अगर लेफ्ट में नहीं जाना है तो लेफ्ट लेन को खाली रखें और एक समझदार और सभ्य गोरखपुर वासी होने का प्रमाण दें, गोरखपुर को एक पहचान दें कि लोग बिना इंडिकेशन के बिना एनफोर्समेंट के स्वयं ही एक अच्छी बेहतर व्यवस्था देने के लिए जनता खुद ही आगे से आगे आए, तो यही हमारे शहर को स्मार्ट बनाने का सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि ये नोटिस में आया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने टू व्हीलर का एक नंबर उखाड़ रखा है या मिटा रखा है, ऐसे लोगों के खिलाफ अब अभियान चलाया जाएगा और उनकी गाड़ी को रोककर उनकी आरसी चेक की जाएगी, उनका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा और ऐसे लोगों की गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो उनके खिलाफ़ मुकदमा भी लिखा जाएगा। तो इसी संबंध में ये मीटिंग की गई। इसके अतिरिक्त ऑटो संचालक जो ऑटो चालक जिन्होंने बाहर की चेसिस में परिवर्तन कर रखा है, अननेसेसरी गार्डर लगा रखे हैं या अपने नंबर प्लेट को ढक रखा है, ऐसे ऑटो चालकों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में गोष्ठी करके सभी उपनिरीक्षक गणों को ये कड़े निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक रूल्स को कोई स्किप ना करने पाए, कोई उससे बचना ना पाए, और जो लोग जानबूझ के अपनी नंबर प्लेट में चेंज करेंगे या कोई नंबर के लिए हटाएंगे ऐसे लोगों के खिलाफ 420C का मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत ने कहा कि मातृभूमि की सुरक्षा के लिए महिलाओं की भागीदारी संतोषप्रद रूप से आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ महिलाओं के लिए भारतीय सेना में अधिक अवसर सृजित हो रहे हैं। देश की रक्षा के लिए लड़ना सौभाग्य की बात है, चाहे यह अवसर पुरुष को मिले या महिला को। ब्रिगेडियर रावत शुक्रवार अपराह्न महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस 28 अगस्त के उपलक्ष्य में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला के पांचवें दिन भारतीय सेना में नारी विषय पर बतौर मुख्य वक्ता अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सेना में महिलाओं की भागीदारी 1888 में नर्सों की भूमिका के रूप में शुरू हुई थी, पर महिलाओं को फौज में लाने की पहली व्यवस्थित पहल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज में उन्होंने अलग से महिला बटालियन स्थापित कर यह सिद्ध किया था कि औरतें भी सेना में आ सकती हैं। ब्रिगेडियर रावत ने बताया कि भारतीय सेना में 1992 में महिलाओं को कमीशन मिलना शुरू हो गया और 2019 के बाद सेना के सभी अंगों में उनके प्रवेश की अनुमति मिली। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना महिलाओं के लिए भी एक बेहतरीन करियर का विकल्प है। यह कम उम्र में क्लास 1 ऑफिसर बनने से लेकर प्रमोशन, जॉब सेटिस्फेक्शन के अलावा सबसे बड़ा आत्मीय सुख मातृभूमि की सुरक्षा में खुद के लगे होने का है। उन्होंने महिलाओं के लिए सेना में भर्ती की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि लैंगिक आधार पर कोई रियायत चाहने की बजाय महिलाओं के मन में देश की सुरक्षा के लिए खुद का श्रेष्ठ देने का भाव होना चाहिए। व्याख्यान माला की विशिष्ट वक्ता भारतीय वायुसेना की सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर स्मृति राखी अग्रवाल ने कहा कि शारीरिक बनावट के आधार पर ऐसा माना जाता है कि महिलाएं सेना के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक शक्ति व दृढ़ इच्छा शक्ति। हर क्षेत्र में लड़कियों ने यह साबित कर दिखाया है कि वह सब कुछ कर सकती हैं और सेना भी इसमें शामिल है। लड़कियां स्वयं सिद्धा हो चुकी हैं और उनके मन में भी अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर करने की भावना है। श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं को लेकर धारणा धीरे धीरे बदल रही है और आज के दौर में वह फाइटर पायलट बन रही हैं। महिलाओं के लिए खुद को साबित करने का सेना एक शानदार विकल्प है। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि वह पुरुषों की तुलना में खुद को किसी भी तरह से कमजोर ना समझे, लैंगिक समानता के अनुसार उन्हें अपना अधिकार चाहिए, तो इसके लिए उन्हें खुद को मजबूती से हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा। व्याख्यान माला की अध्यक्षता महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने तथा आभार ज्ञापन साध्वी नंदन पांडे ने किया। इस अवसर पर गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य डॉक्टर डीएस अजीता, गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर गणेश बी पाटिल, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर दीपू मनोहर, डॉक्टर पीयूष वर्षा, डॉक्टर एस एन सिंह, डॉक्टर जासोबेन, डॉक्टर प्रिया नायर आदि की सक्रिय सहभागिता रही। मंच संचालन आशीष चौधरी व शुभांकर वत्स ने किया। व्याख्यान का शुभारंभ बीए एमएस की छात्राओं साक्षी सिंह, मांपी राय व दीक्षा द्वारा प्रस्तुत धन्वंतरी वंदना एवं सरस्वती वंदना से तथा समापन मधुलिका सिंह, अंशिका जायसवाल, कहकसा आसमा खातून, स्वाति श्रीवास्तव के वंदे मातरम गान से हुआ। इस अवसर पर सभी शिक्षक व बीएएमएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उपस्थित रहे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने बताया कि सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के अंतर्गत 27 अगस्त को अपराह्न 3 बजे से योग एवं आयुर्वेद की प्रगति में गोरक्षपीठ का योगदान विषय पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह व वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दिनेश सिंह का व्याख्यान होगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के ओएसडी व पूर्व एसडीएम मोतीलाल सिंह का सड़क दुर्घटना में हुआ निधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की गहरी संवेदना। शनिवार की सुबह 10 बजे राजघाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी रंजीत पटेल को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने दी जानकारी।
गुरुवार को जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने सहजनवा स्थित निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य कार्यों का किया निरीक्षण। कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी। कार्यों को समय से पूरा करने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बेलघाट थाने की पुलिस व खजनी तहसील की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त लालजी केवट की संपत्ति को किया जब्त। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर को थाने में लाकर किया गया दाखिल। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन एवं नंबर प्लेट को ढक कर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक विभाग अब करेगा गंभीर कार्यवाही। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों संग बैठक कर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दिए निर्देश। कहा, जिन वाहन चालकों ने नंबर प्लेट उखाड़ रखा है या नंबर प्लेट से नंबर मिटा दिए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर वाहनों को सीज कर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी किया जाएगा दर्ज। भाईयोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के पांचवें दिन ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत ने कहा, मातृभूमि की सुरक्षा में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ भारतीय सेना में नारियों के हैं अधिक अवसर। वर्तमान समय में फैलने वाली बीमारियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का 28 अगस्त को सीएम योगी करेंगे अनावरण। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक तथा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने दी जानकारी। वाहन चोरी के आरोप में एक अभियुक्त सुरेंद्र गौड़ को कैंट पुलिस ने 12 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। चोरी की एक मोटरसाइकिल, लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश शरबत गोरखपुर की कार्यकारिणी एवं जिला काउंसिल की बैठक सकुशल हुआ संपन्न। मुख्य आयुक्त ने कहा, जनपद के सभी विद्यालयों में स्काउट गाइड दलों का पंजीकरण व नवीनीकरण कराना है आवश्यक। और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के दूसरे दिन मुख्य अतिथि ने कहा, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ समाज के सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा रहे हैं आगे। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राई क्लीन भी करवाएं। दो की ड्राई क्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने वर्तमान समय में पशुओं में फैलने वाली बीमारियों के दृष्टिगत पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि वर्तमान समय में पशुओं में लंपी स्किन डिजीज नाम की बीमारी हो रही है, जिसके बचाव के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि इस तरह की बीमारी अधिकतर गाँव के पशुओं में होती है, क्योंकि लोग पशुओं को छोड़ देते हैं जिससे वह कोई भी अपशिष्ट पदार्थ खा लेते हैं, जिससे उनको कई बीमारी हो जाती है। इससे लोगों को जागरूक करते हुए पशुओं का उपचार कराने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे वह बीमारी ज्यादा पशुओं में ना फैलने पाए। पशु डॉक्टर गांव में कैंप लगाकर पशुओं के बीमारी के बारे में बता सकते हैं। इस अवसर पर चौरी चौरा तहसीलदार नीलम तिवारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय राजेश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। If you are talking about the cattle, most affected cattle in compared to buffalo. Buffalo are least affected by the disease emerges above. Decrease in milk production, abortion, infertility, damage diet, and also teaching ka, because they are trade restriction. If this disease in any country or any state, so the woman restriction compulsory at any cost, at any way. And also at the end, death of the animal. It's notified by the disease in India. Lumpy skin disease generally occurs in African countries and Middle East. But recently, last year, also seen in Ernakulam, Kerala, कैसे पता चले जनरल सिस्टम की बात करते हैं, जनरल साइंस की बात करें तो फाइन थिंग सलाइनेशन टीवर काफी हाई देखने को मिलेगा। रही पर तो एनिमल की डेथ भी हो जाती है। डर्मेटोलॉजिकल की अगर हम बात करते हैं, इसी जगह की बात करें, पूरे आर्म और बॉडी को इम्पैक्ट करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, हार्डर को भी इवन देन फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं जो किस प्रकार से एनिमल कितना सीवियर किस प्रकार से एनिमल सफर एंड ऑल्सो कौन से सेल्टर को इवन देन घाव बन जाता है, एनिमल डेथ भी हो जाती है। अगर लोकोमोटरी की बात करें, एनिमल लोकोमोशन में इम्पैक्ट होता है, जिसके एनिमा देखने को इम्पेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से एनिमा भी देखने को मिलता है। एनिमल एक जगह बैठ जाता है, मूवमेंट करना करने के लिए वो इच्छुक नहीं होता है, फिर बड़ी बाई फोर्सफुली वो मूवमेंट करता है, एट द टाइम शार्प देखने को मिलता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में मिलेंगे और साउंड भी आएगा। इपिटैक्सिस कई बार ऐसा होता है कि जब म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है ट्रैकिया की, तो नाक से खून भी आने लगता है, ऐसा कंडीशन देखने को मिला है। फीमेल इन्फर्टिलिटी कंडीशन देखने को मिलती है, रिपीट ब्रीडर मेल इन्फर्टिलिटी। और अगर एक बार किसी एनिमल में आ गया, कई बार ऐसा देखा गया कि एनिमल पूरी तरीके से स्टराइल हो जाता है, दोबारा से वो कंसीव नहीं हो। तो कलेक्ट करते हैं, उसके अलावा स्किन को स्किन बायोप्सी के थ्रू भी एट लीस्ट थ्री एनिमल को भी हम लेकर के, और जो हाई बायोसिक्योरिटी लैब है ICR निशाद भोपाल में, वहाँ पे इसके सैंपल लंग में देख सकते हैं, मार्बल डिफरेंस मार्बल का पूरे लंग पे भी न्यूडल्स देखने को मिलते हैं। ऐसी बीमारी ट्रैकिया को अगर हम ओपन करते हैं तो ट्रैकिया में जो सफर करता है रेस्पिरेशन उसको प्रॉब्लम होती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये फिगर है लीवर और स्प्लीन का, लीवर का तो जो स्यूडोलम्पी स्किन डिजीज में होता है, जो सुपर फिशियल नोडल होते हैं, और अगर हम बात करें कि लंपी स्किन डिजीज में इसमें जो नोडल होगा वो डर्मिस से रिलेटेड होगा। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक तथा नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में रविवार को 4 बजे आगमन होगा, जहां वे कॉलेज के प्रबंधक एवं ख्याति लब्ध अधिवक्ता स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे तथा कॉलेज में स्थित नवीनीकृत राम गरीब लाल सभागार का लोकार्पण करेंगे। यह सभागार करीब 110 वर्ष पुराना है, जिसमें ध्वनि अवशोषण व्यवस्था के साथ साथ उच्च कोटि के स्पीकर आदि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के बैठने के लिए 30,000 वर्ग फीट के जर्मन हैंगर पद्धति वाले पंडाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6,000
चार व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी और मंच पूरी तरह वातानुकूलित रहेगा, जिसमें विद्यालय के लगभग 5000 विद्यार्थी पंडाल में मौजूद रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक तथा नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, लोगों को बाहर कराएंगे, कैसे आप उन सारे सामान को और हटा लेंगे वहाँ से, बाकी वो जाके मैं उसमें बैठ जाएंगे, पर 11,000 है तीनों विद्यालय, उस दिन 5,000 हम लोग मान के चल रहे हैं, रविवार का दिन है तब भी इतने बच्चे तो अवश्य रहेंगे। या नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज पीजी कॉलेज का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 28 अगस्त को शाम 4 बजे हमारे दोनों परिसर में आ रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिनके निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दी है। पहला, हमारा पूर्व प्रबंधक प्रेम नारायण जी की मूर्ति का अनावरण, निर्मल प्रेम वाटिका का। दूसरा, हमारा जो 110 वर्ष पुराना हॉल था जो जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसका दोबारा पुनर्जीवन जो हम लोगों ने कराया है उसको लोकार्पित करेंगे वो पुनः। और तीसरा, हमारा जो एक अभिनव प्रयोग है वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद जो सोसाइटी प्रारंभ कर रही है, 60 के ऊपर के पुरुष महिला कोई भी इसके सदस्य हो सकते हैं, वो हमारे विद्यालय में आएंगे, 10 से 4-6 घंटे रहेंगे, उनके अल्पाहार भोजन की व्यवस्था सोसाइटी करेगी, उनके इंडोर गेम, पढ़ने अध्ययन मैगजीन सब की व्यवस्था लाइब्रेरी में रहेगी, पूरा वातानुकूलित 1500 वर्ग फीट का वो परिसर बनाया गया है। वो इसके सम्मान में हमारे विद्यालय के तीनों विद्यालयों के बच्चों को अपनी जो 60 वर्ष का जीवन अनुभव है, 65 वर्ष का जीवन अनुभव है वो उन बच्चों को देंगे और नैतिक शिक्षा भी उन्हें उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि परिसर 15 एकड़ का है तो उनको चलने में दिक्कत ना हो, अति बुजुर्ग लोगों के लिए व्हीलचेयर भी रखी गई है मोटराइज, और एक ई रिक्शा रखा गया है जिसमें बैठकर वो डिग्री कॉलेज और गर्ल्स स्कूल तक बच्चों को ज्ञान देने के लिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में जो सभा हो रही है वो जर्मन हैंगर पद्धति का पंडाल है, उसमें पंखे लग रहे हैं, मंच वातानुकूलित है और पूरा का पूरा 6,000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था, जिसमें नगर के लगभग 1,000 अतिथि और हमारे 5,000 तीनों विद्यालय के बच्चे छात्र छात्राएं उसमें रहेंगी। हम अपने पूर्व शिक्षक जो हमारे डिग्री कॉलेज के हैं उनका सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री के हाथों, और जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र हैं जिन्होंने इस वर्ष सर्वोच्च अंक यूपी बोर्ड में प्राप्त किया है उनका सम्मान करेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो महाराज जी का उद्बोधन जो लगभग 40 मिनट का होगा, और उसमें वो नई शिक्षा नीति प्रदेश के युवा के लिए क्या सरकार कर रही है इस पर अपने विचार रखेंगे। यह पूरा का पूरा 1.5 घंटे का समय 90 मिनट उन्होंने हमारे विद्यालय को उस दिन आवंटित किया। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल व लूट के मोबाइल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कारमल रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुरेंद्र गौड़ पुत्र रामजीत गौड़ निवासी अश्विनीपुरम कॉलोनी थाना देवकाली जनपद अयोध्या के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का एक मोटरसाइकिल व लूट का मोबाइल बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 25 अगस्त को बालवेंद्र यादव पुत्र जीतन यादव निवासी गहना पोस्ट झुड़िया थाना खजनी जनपद गोरखपुर के द्वारा सूचना दी गई कि उनकी मोटरसाइकिल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एटीएम मुंशी प्रेमचंद्र पार्क से चोरी हो गई है, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अयोध्या का रहने वाला है, वहां पर उसने कई अपराध किए हैं,
अब वह अयोध्या में काफी बदनाम हो गया है, जिसके कारण वहां अपराध करना मुश्किल हो गया। जिसको देखते हुए गोरखपुर में फुटपाथ पर रहकर अपराध करने की फिराक में रहता था, उसने ही दोनों घटनाओं को किया था और अब गोरखपुर से गोपालगंज बिहार जाकर अपराध करने की फिराक में था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त बहुत शातिर अपराधी है, जिसको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, बेदीहाता चौकी प्रभारी अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल शिवम तिवारी, शिवानंद कुमार, विनय वर्मा सहित अन्य लोग शामिल रहे। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर की कार्यकारिणी एवं जिला काउंसिल की बैठक एमपी इंटर कॉलेज के बलरामपुर हॉल में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान संबोधित करते हुए भारत और स्काउट गाइड के मुख्यायुक्त अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जिले के समस्त विद्यालयों में प्राइमरी और उच्च शिक्षण संस्थानों तक स्काउट गाइड दलों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण आपको कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड की गतिविधियां सुचारू रूप से जनपद के अंदर संचालित करने के लिए समस्त प्रधानाचार्य शिक्षकों के सहयोग के बिना संभव नहीं है, अतः शिक्षण संस्थानों के जिम्मेदारों को स्काउट गाइड गतिविधियों के प्रति अपनी रुचि लेकर छात्र हित में स्काउट गाइड की गतिविधियां नियमित संचालित करने की आवश्यकता है। वहीं जिला स्काउट कमिश्नर डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि स्काउटिंग गाइडिंग छात्र छात्राओं के विकास के साथ समाज सेवा के क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। कोविड महामारी के समय जहां हर स्वयंसेवी संस्थाएं अपना हाथ खड़ा कर रही थी, वहीं स्काउट गाइड संस्था के स्काउट और गाइड ने विभिन्न माध्यमों से चिकित्सा केंद्रों पर जाकर टीका लगवाने में सहयोग किया। इस अवसर पर भारत स्काउट और गाइड के सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त नौशाद अली सिद्दीकी, जिला गाइड कमिश्नर विनीता सिंह, उप सचिव ज्ञानेंद्र ओझा, एडवोकेट व प्रादेशिक स्काउटर प्रतिनिधि अजय गुप्ता बजरंगी, प्रादेशिक गाइडर प्रतिनिधि जयलक्ष्मी पांडे, डीओसी स्काउट सत्यानंद शर्मा, डीओसी गाइड इशरत सिद्दीकी, रामनाथ गुप्ता, किरण देवी, ओम प्रकाश उपाध्याय, प्रतिभा शुक्ला, राम आशीष विश्वकर्मा, आशुतोष दुबे, सूरज गौतम, श्यामा इस्लाम, रंजना राय, दुर्गावती जयप्रकाश, मद्देशिया, एमएसआई इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अली, राजेश चंद्र चौधरी, श्यामू सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत और स्काउट गाइड के मुख्यायुक्त अरुण कुमार सिंह ने कहा, जी।
डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जिला मुख्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश भारतीय स्काउट गाइड, जिला संस्था गोरखपुर। आज उत्तर प्रदेश भारतीय स्काउट गाइड जिला संस्था गोरखपुर की जो है जिला स्तरीय बैठक आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बलरामपुर सभागार में आयोजित है, जिसमें वर्ष भर की कार्य योजना, विगत वर्ष का आय व्यय, आगामी प्रस्तावित आय और व्यय, इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना, स्काउट संस्था को और बुलंदियों पर कैसे ले जाया जाए, प्रशिक्षण को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर जो है प्रशिक्षण आयुक्त का अपना प्रतिवेदन, जिला सचिव का विगत वर्षों में क्या क्या कार्य हुए स्काउट संस्था द्वारा, उसका प्रतिवेदन, इस सब का प्रस्तुतिकरण आज इस बैठक में रखा जाएगा। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जयप्रकाश छपरा विश्वविद्यालय बिहार के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र का विकास ज्ञान के द्वारा ही परिवर्तित, संवर्धित व विकासोन्मुख होगा, जिसके लिए समाज का शिक्षित होना आवश्यक है। इसीलिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का तेवर और कलेवर क्या हो, इसके निमित्त कोठारी आयोग अस्तित्व में आया, जिसने शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोठारी आयोग की रिपोर्ट शिक्षा जगत का एक वृहद घोषणा पत्र है। महंत दिग्विजयनाथ महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जिन्होंने कभी राष्ट्र और राष्ट्रीयता से समझौता नहीं किया। भारत ऐसे महापुरुषों का राष्ट्र है। समाज के सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए महंत दिग्विजयनाथ हमेशा आगे रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र एवं यूरोपीय लोकतंत्र दोनों विपरीतार्थ है। पश्चिमी लोकतंत्र के विपरीत भारतीय लोकतंत्र वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा पर आधारित है, जहां वृहद चेतना में समता, भ्रातृत्व, न्याय एवं स्वतंत्रता का आविर्भाव होता है। भारत कल्याण एवं भद्रता का भव्य भारत है, जो निर्जीव व सजीव सबके साथ संभाव रखता है, जिसकी आत्मा लोक चेतना में अंतर्निहित है। वास्तव में दुनिया में मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतंत्र है, और लोगों की आकांक्षाओं का जो समुच्चय है वही संविधान है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर सुरेंद्र चौहान, इंद्रेश पांडे, डॉक्टर विवेक शाही, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर रुक्मणी चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने कहा, द्वारा लगभग चार दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण तथा 29 अगस्त को राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित होना है, उसमें गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनका कार्यक्रम है, और जो समापन समारोह है, समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विद्यापीठ से आर्य तोमर जी, महंत दिग्विजयनाथ जी, महंत अवैद्यनाथ जी, मां सरस्वती, महाराणा प्रताप, बाबा गंभीरनाथ जी के चित्रों पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम चलकर इस कार्यक्रम की सत्यपाल आर्य शुरुआत की जा रही है। सत्यपाल जी आ जाए। तुझसे हर
करता हूँ कि आप मुझे अधिक को माल्यार्पण कर न्याय और विचारधारा को अपने राष्ट्रीय विचारधारा के ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि समाजवादी विचारधारा को राष्ट्रीयता में, अखंडता में, देश प्रेम में, भारतीय संस्कृति के उन्नयन में आपने उस विचारधारा को विरोधी कर दिया। और आप आज जो आपका निर्माण हुआ है, आप जिस रूप में देखे जाते हैं, आप एक राष्ट्र सेवक के रूप में, भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में आपकी पहचान बनती जा रही है। यह गोरक्षनाथ की नगरी का प्रभाव है। यहाँ जो भी आता है, चाहे जितनी भी विचारधारा लेके आए, आने के बाद उसी में समाहित होता है। इस नए अवतरण के रूप में मैं इस संवाद कक्ष में मैं अपने मुख्य अतिथि का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं प्रोफेसर हरिकेश सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा, वहाँ अध्यापक रहा, और वहीं के शिक्षा संकाय से मैं विभागाध्यक्ष और संकाय प्रमुख रह करके वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। बाद में जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का कुलपति रहा, और वहाँ से निवृत्त होकर मैं अपने गांव में रहता हूँ, किसान हूँ। लेकिन इस गोरखनाथ पीठ से, इस महाविद्यालय से, और पूज्यपाद श्री महंत अवैद्यनाथ जी से के, और वर्तमान पूज्यपाद श्री आदित्यनाथ जी के स्नेह से मैं हमेशा एक आध बार केवल अंतर पड़ा होगा, नहीं तो प्रायः पिछले सभी वर्षों में इस व्याख्यानमाला में आता रहा हूँ। वर्तमान यशस्वी प्राचार्य जी ने मुझे सूचित किया, इनका आदेश का पालन भी करना था, और मुझे स्वयं में ये अभिप्सा थी कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। पिछले सभी कार्यक्रमों में विभिन्न शीर्षकों पर बोलता रहा हूँ, आज मैं ज्ञान, लोकतंत्र और विकास शीर्षक पर बच्चों के साथ जो अध्यापकगण हैं, प्राध्यापकगण हैं, उनसे एक घंटे वार्ता करूँगा, फिर उनके कुछ प्रश्न होंगे तो वो पूछेंगे। मेरी ये साफ अवधारणा है कि देश में लोकतंत्र जिस शहादत के बल पर मिला है, उसका जो परचम फहरा है और फहर रहा है पिछले कई वर्षों से, उसमें निश्चित रूप से राष्ट्रीय चेतना जगी है, और उस राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक के रूप में दुनिया में जहाँ इजराइल जैसे राष्ट्र उससे सीखते हैं, पूज्यपाद वीर शिरोमणि और राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप जी का चित्र लगा है, उनके नाम पर ये संस्था पहले भी रही है, उसी परंपरा और उसी कुल परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में, और गोरखनाथ जी मत्स्यनाथ की परंपरा के, परंतु महाराणा प्रताप जी के परिवार से ही सीधे श्री महंत दिग्विजयनाथ जी का संबंध था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी मैं इस कार्यक्रम में आता रहा हूँ। ये सुखद एक अनुभव है कि आज जब इस महाराणा प्रताप शिक्षा जो न्यास है, उसके अध्यक्ष जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, और उनकी जगह पर जो उस कार्य को संपादित कर रहे हैं, जो मेरे जिनके परिवार से मैं आता हूं गाजीपुर से, श्री प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, तो ऐसा को ध्यान में रख करके, और लोकतंत्र भारतवर्ष में किस रूप में पहले रहा है और आज किस रूप में है, और क्या आशंकाएँ हैं और क्या आशाएँ हैं, परंतु मेरा दृढ़ मत है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र और विकास दोनों ज्ञान के ही द्वारा परिवर्धित होगा, संवर्धित होगा और प्रगति की तरफ जाएगा। इसमें यह संस्थान महाराणा प्रताप शिक्षा न्यास और उत्तर प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके संरक्षण में इस महान संस्थान के जो प्राचार्य जी हैं, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी और अन्य प्राध्यापकगण हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी जो चीफ प्रॉक्टर हैं, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो इसके संयोजक हैं, अन्य अध्यापकगण भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आप लोगों को भी आमंत्रण है कि देखिएगा
मेरे व्याख्यान से अधिक महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप पर जो पंडित श्याम नारायण पांडे ने अपनी रचना प्रस्तुत किया, लिखा हल्दी घाटी के, उसके कुछ अंश आज हमारे बीच एक यशस्वी कवि जिनका नाम ही श्री यशवंत सिंह यश है, वो भी आज अपनी कविता के माध्यम से इन बच्चे और बच्चियों को राष्ट्र धर्म के बारे में अपनी कविता सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी विद्यार्थी छात्र छात्राएं यहाँ आए हैं उन्हें आज के व्याख्यान से कहीं ना कहीं उनकी चेतना में राष्ट्रवाद, विकास, ज्ञान की अभिप्सा और लोकतंत्र की मर्यादा का संरक्षण का भाव आएगा। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के ओएसडी व पूर्व एसडीएम मोतीलाल सिंह का सड़क दुर्घटना में हुआ निधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की गहरी संवेदना। शनिवार की सुबह 10 बजे राजघाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी रंजीत पटेल को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने दी जानकारी। गुरुवार को जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने सहजनवा स्थित निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य कार्यों का किया निरीक्षण। कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी। कार्यों को समय से पूरा करने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बेलघाट थाने की पुलिस व खजनी तहसील की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त लालजी केवट की संपत्ति को किया जब्त। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर को थाने में लाकर किया गया दाखिल। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन एवं नंबर प्लेट को ढक कर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक विभाग अब करेगा गंभीर कार्यवाही। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों संग बैठक कर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने दिए निर्देश। कहा, जिन वाहन चालकों ने नंबर प्लेट उखाड़ रखा है या नंबर प्लेट से नंबर मिटा दिए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर वाहनों को सीज कर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी किया जाएगा दर्ज। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के पांचवें दिन ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत ने कहा, मातृभूमि की सुरक्षा में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ भारतीय सेना में नारियों के हैं अधिक अवसर। वर्तमान समय में फैलने वाली बीमारियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का 28 अगस्त को सीएम योगी करेंगे अनावरण। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक तथा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने दी जानकारी। वाहन चोरी के आरोप में एक अभियुक्त सुरेंद्र गौड़ को कैंट पुलिस ने 12 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। चोरी की एक मोटरसाइकिल, लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश शरबत गोरखपुर की कार्यकारिणी एवं जिला काउंसिल की बैठक सकुशल हुआ संपन्न। मुख्य आयुक्त ने कहा, जनपद के सभी विद्यालयों में स्काउट गाइड दलों का पंजीकरण व नवीनीकरण कराना है आवश्यक। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के दूसरे दिन मुख्य अतिथि ने कहा, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ समाज के सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा रहे हैं आगे। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।